अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं बन्नू से कराची जियाउद्दीन कोच में ट्रेवल कर रहा हूँ। जियाउद्दीन के बन्नू से कराची के तीन टाइम जाते हैं, पहला टाइम सुबह 9 बजे, दूसरा 11 बजे और तीसरा 1 बजे। बन्नू से कराची का किराया इनका 2500 रुपये है। बस का एक्सटीरियर और इंटीरियर आपने देख लिया। बन्नू से डिपार्चर टाइम 11 बजे था। 11:13 पर हमारी गाड़ी रवाना हो गई थी और बन्नू टाइम पर जियाउद्दीन की जो गाड़ियाँ चलती हैं इसमें कुछ ओरिजिनल भी पाऊँगा और कुछ काजे के चेसिस भी बनाई हैं, और जिसमें मैं ट्रेवल कर रहा हूँ ये ओरिजिनल नहीं है बल्कि काजे के चेसिस पर डबल क्लास भी बनाई है। आप जिसमें भी ट्रेवल करें किराया इनका सेम है, हालांकि जो काजे के चेसिस पे बनाई गई है उसका कंफर्ट लेवल, सीट्स का कंफर्ट भी इतना अच्छा नहीं होता, बट फिर भी ये उसका किराया 2500 रुपये ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल से किराए में कुछ फ़र्क होना चाहिए था, जो काजे की बसेज हैं उनका किराया कुछ कम होना चाहिए था और जो ओरिजिनल यूट होंगे उनमें चले आप कुछ ज़्यादा ले लें। ये बन्नू अड्डा है, यहाँ से अभी हम कराची के लिए डिपार्चर कर रहे हैं। दोपहर के खाने के लिए कुरैशी मोड़ से आगे जियाउद्दीन का टर्मिनल है, वहाँ पर 2:06 पर हम पहुँचे हैं। दोपहर का खाना और शहर की नमाज के लिए हमने यहाँ पर स्टॉप किया। यहाँ स्टॉप पर पहले से शाहीन एक्सप्रेस का टाइम, जो कि पेशावर से रास्ता कुहाड़ दरस पर खान जाता है, कराची जाता है, वो यहाँ पर मौजूद था। छोटा सा इलाका आता है, वहाँ पर ट्रैफिक इंतहाई शदीद जाम था, रोड पर काम चल रहा था और आगे एक साइड पे ट्रक ख़राब हो गया था, जिससे रोड पर लंबी लंबी कारें लग गई गाड़ियों की, और तकरीबन 3 घंटे हम यहाँ पर फंसे रहे। 3 घंटे बाद रात को 8 बजे के करीब हम यहाँ से निकले। ग्यारह 11:23 पर जाहिर पीर इंटरचेंज के पास होटल पर ईशा की नमाज और डिनर के लिए हमारा स्टे हुआ। यहाँ पर बिलाल लाइव अहमद ब्रदर्स और बालर गुजर की गाड़ियाँ मौजूद थी। सुबह 8:52 पर पंजाब अड्डा में वाक़ जियाउद्दीन के लास्ट स्टॉप पर हम पहुंच रहे हैं। इस तरह बन्नू से कराची तक का हमारा ये सफ़र 22 घंटे में हुआ, जिसमें 3 घंटे हम शदीद ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। तो अगर उसको माइनस कर लें तो हमारा ये सफ़र तकरीबन 19 घंटे में हुआ। अच्छा, जियाउद्दीन की तरफ से फ्री खाना या वाईफाई या रिफ्रेशमेंट की सहूलत मौजूद नहीं है, और अगर इस बस की सीट्स के बारे में मैं कहूँ तो इस बस की सीट्स ओरिजिनल यूकॉन की तरह कंफर्ट नहीं है, कुछ तंग सीट्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा।